हरियाणा को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है और इस कृषि प्रधान प्रदेश में किसान किस कदर कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, किस कदर प्रदेश में किसानों का बुरा हाल हो रखा है, इसकी पोल खुद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खोल कर रख दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट से मिले आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में खरीफ फसल के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या बीते साल के मुकाबले लगभग दो गुनी हो चुकी है। किसान क्रेडिट कार्ड से इस बार 11,49,000 किसानों ने 3 लाख रुपए तक का लोन लिया है, जबकि बीते साल इस सीजन में 6,58,000 किसानों ने ही कर्ज लिया था। यानी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या मात्र एक साल में दोगुनी हो चुकी है। इधर हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा भिवानी जिले के किसानों ने बैंकों से अपनी फसल के लिए लोन ले रखा है। अब सोचिए जरा, जो भिवानी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का गृह जिला है, वहां पर ही किसानों के इतने बुरे हाल हो रखे हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा भिवानी जिले के किसान भारी भरकम कर्ज के जंजाल में उलझे हुए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक इस साल खरीफ सीजन में भिवानी के 3,34,000 से ज्यादा किसानों ने कर्ज लिया है, जबकि बीते साल खरीफ सीजन में सिर्फ 1,08,000 किसानों ने ही लोन लिया था। ये तो हुई भिवानी की बात, प्रदेश के बाकी जिलों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। बैंकों से कर्ज लेने के मामले में दूसरे नंबर पर सिरसा के किसान आते हैं, जहां पर इस साल खरीफ सीजन में 2,67,000 किसानों ने अपनी फसल के लिए लोन लिया है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हिसार में केवल 38,302 किसानों ने लोन लिया है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश में कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या मात्र एक साल में दोगुनी कैसे हो चुकी है। तो कुछ किसानों का कहना है कि मौसम की मार से फसल खराब होने और कृषि लागत बढ़ने से उन्हें बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है। वही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर बलबीर सिंह ठाकन का कहना है कि लगातार फसल खराब होने और फसलों का भाव कम मिलने से छोटे और सीमांत किसान संकट में हैं और वो कई सालों से कर्ज से उबर नहीं पा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और आखिर क्यों हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में किसान कर्ज लेने को मजबूर है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।